चलिए शुरू करते हैं हमारी पंजीरी बनाना। उसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, मैंने एक कटोरी में धनिया ले लिया है, ये धनिया का पाउडर है। मैंने यहाँ पे कुछ बादाम ली हैं और कुछ काजू लिए हैं, ये लगभग 5 बादाम और 5 काजू हैं। इसमें मैंने नारियल का बूरा लिया है, किसा हुआ सूखा नारियल है, ये लगभग 2 चम्मच नारियल है। मैंने 1 कप जो है 1 कटोरी शक्कर ली है, हमको जितना धनिया लेना है उतनी ही शक्कर लेनी है। और मैंने ये 1 इलायची ले ली है। अब हम अपनी पंजीरी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने अपने फ्लेम को ऑन कर दिया है और मैंने इसमें 1 कढ़ाई रख ली है। अब हम इसे गर्म होने देंगे। ये देखिए, अब हम इसमें घी डालेंगे। मैंने 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। जैसे ही ये घी पिघल जाएगा हम इसमें अपने नट्स को रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए, हमारा घी जो है वो पिघल गया है। अब हम इसमें अपने नट्स डाल देंगे और उन्हें धीमी आंच पे रोस्ट कर लेंगे जब तक कि वो सुनहरा रंग ना ले लें और कुरकुरे ना हो जाए। जैसे ही वो कुरकुरे हो जाएंगे हम उन्हें निकाल लेंगे। तो अब हम अपने नट्स को रोस्ट करेंगे घी के अंदर। ये देखिए, हमारे नट्स जो हैं वो रोस्ट हो गए हैं। मैंने इन्हें निकाल लिया है, अब मैं इन्हें ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसी कढ़ाई में अपना धनिया पाउडर डाल लूंगी और इसे भी रोस्ट करूंगी। इसको बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करना है और आपको एक्स्ट्रा घी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो 1 चम्मच घी डाला था और हमारे नट्स को रोस्ट करने के बाद हमारे पास जो घी बचा था उसी नट्स में हमको ये रोस्ट करना है हमारे धनिए को। इसको धीमी आंच पर खुशबू आने तक रोस्ट करना है। इसमें लगभग 5 से 6 मिनट लग सकते हैं, तो धीमी आंच पे इसे रोस्ट करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल धीमे फ्लेम पर ही, मध्य आंच पर ही रोस्ट करें। अगर आप इसको ज़्यादा हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो ये जल सकता है और इसका फ्लेवर बिल्कुल कड़वा हो सकता है। तो आप बिल्कुल धीमी आंच पे और धीरे धीरे इसे चलाते हुए रोस्ट करें। आप देख सकते हैं कि मैं इसे लगातार चला रही हूँ। अगर आप इसे इसी तरह कढ़ाई में डाल के छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा और ये जल जाएगा और जलने के बाद इसका फ्लेवर कड़वा हो जाएगा। तो आप इसे चलाते हुए पकाएं। ये देखिए, अब इसको पकाते हुए हमको लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो अगर आप इसी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको भी 3 से 4 मिनट ही लगेंगे। ये देखिए, इसका कलर जो है वो बिल्कुल ही ब्राउन हो गया है और हमने जो धनिया लिया था उसका कलर जो है वो ग्रीन था, आप देख सकते हैं। और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसे अपनी कटोरी में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने जो नट्स लिए थे अब हम उनको कट कर लेंगे और इस इलायची, हरी इलायची जो हमने ली थी इसका हम पाउडर बना लेंगे और अब हम इन सबको अपने रोस्टेड धनिये के साथ मिलाएंगे। इसी को पंजीरी कहा जाता है। ये कृष्ण भगवान की फेवरेट होती है और जन्माष्टमी पर इसी का प्रसाद बनाया जाता है। तो आज मैं आपको वही बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, ये हमारी रोस्टेड पंजीरी है जो कि मैंने 1 कटोरी में निकाल ली है। अब मैं अपने नट्स को जो है कट कर लूँगी और अपनी इलायची का पाउडर बना लूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, मैंने ये जो है अपने नट्स को कट कर लिया है और मैंने अपनी इलायची को कूट लिया है। ये देखिए, मैंने मोटा मोटा कूटा है। अब हम इस धनिए, रोस्टेड धनिए को इस कटोरी में डाल लेंगे। इसमें जो है नारियल का पाउडर था, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 चम्मच नारियल का पाउडर है, उसमें हम इस धनिए को डाल लेंगे और साथ ही साथ हम इसमें अपनी चीनी डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
ये देखिए हमने इसमें शक्कर भी अच्छे से मिक्स कर दी है। ये देखिए मैंने आपको एक कटोरी शक्कर बताई थी, उसमें से मैंने ये थोड़ी सी शक्कर बचा ली है और बाकी सारी शक्कर मैंने इसके अंदर डाल दी है। आप शक्कर का टेस्ट अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपको मीठा पसंद है तो मैंने जो पूरी शक्कर बताई थी आप वो भी डाल सकते हैं, मैंने थोड़ी सी कम डाली है। हमने जो ड्राई नट्स लिए थे अब हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें अपनी इलायची का पाउडर भी डाल देंगे जो कि हमने कूट ली थी, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। मैं इसमें थोड़ी सी तुलसी की पत्तियाँ भी डाल लूँगी। ये देखिए मैंने एक कटोरी ले ली है। अब मैं अपना ये तैयार प्रसाद जो है, पंजीरी जो है, वो इस कटोरी में निकाल लूँगी। मटकी मारी फाड़ दी भाज गया नंदलाल, बीस तो उलाने दिए कोना करी बंद लाल, घाघरे के छीट लगी भीज गया कंदलाल। ये देखिए हमने इसे अपनी तुलसी की पत्ती से गार्निश कर दिया है। ये हमारी पंजीरी बनके तैयार है।